Hello students, good morning. Now we are going to continue with the chapter. So let's have a preview of what we have studied yesterday. Then we will move ahead. कल हमने देखा सम्राट अकबर बीरबल को आदेश देते हैं कि वो दो दिन के अंदर उनके दरबार में 6 मूर्खों को उपस्थित करें, क्योंकि वो अपने जीवन काल में विद्वानों से तो मिल चुके थे पर किसी मूर्ख व्यक्ति से नहीं मिले थे. इसलिए उन्होंने बीरबल को आदेश दिया था और बीरबल उनके आदेश का तुरंत पालन करते हैं और वो बाज़ार में मूर्खों की तलाश में निकल जाते हैं और जल्दी ही उन्हें पहला मूर्ख व्यक्ति मिल जाता है और वो उसे अपने साथ पहल में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं और फिर अन्य मूर्खों की तलाश में वो बाज़ार में चारों तरफ देखते हैं. नाउ सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. बीरबल लुक्स अराउंड द मार्केट फॉर मोर फूल्स. और अन्य मूर्खों की तलाश में बीरबल बाजार में चारों तरफ देखते हैं. डियर फ्रेंड, वाई आर यू कैरिंग द बंडल ऑफ ग्रास ऑन योर हेड. और तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई देता है. उससे वो पूछते हैं, प्रिय मित्र, तुम घास का गट्ठर अपने सिर पर क्यों ढो रहे हो? उसे क्यों ले जा रहे हो, अपने सिर पर घास का गट्ठर क्यों ले जा रहे हो? Can't you see, Raja Birbal? My old horse is carrying my weight already. Will I not be ashamed to burden him further? Can't you see, Raja Birbal? क्या तुम देख नहीं सकते राजा बीरबल, मेरा बूढ़ा घोड़ा मेरा भार वैसे भी ढो रहा है, पहले से ही ढो रहा है, और उस पर मैं और भी ज़्यादा बोझ डाल दूँ तो क्या मुझे शर्म नहीं आएगी? बीरबल is delighted to have found the second fool so soon. और बीरबल बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उन्हें दूसरा मूर्ख बहुत ही जल्दी मिल गया था. ही इन्वाइट्स दिस मैन टू द किंग्स पैलेस. और वो इस व्यक्ति को भी महल में आमंत्रित करते हैं चलने के लिए. अ लिटिल लेटर बीरबल फाइंड्स अ मैन फॉलन इन टू अ गटर. और कुछ ही देर बाद बीरबल देखते हैं कि एक व्यक्ति गटर में गिरा हुआ है. विद हिज आर्म्स आउट स्ट्रेच, अपनी दोनों बाहों को फैलाए हुए एक व्यक्ति चुनाले में गिरा है और उसकी दोनों भुजाएं फैली हुई हैं, दोनों हाथ उसके खुले हुए हैं. बीरबल रशेस टू हेल्प हिम. और बीरबल भागकर उसकी मदद के लिए जाते हैं. डियर फ्रेंड, आई विल पुल यू आउट ऑफ द गटर. प्रिय मित्र, मैं तुम्हें इस गटर से बाहर निकालूंगा. Please pull me out by my hair. Don't touch my hands. वो व्यक्ति क्या कहता है, Please pull me out by my hair. मुझे इस गटर से मेरे बालों से पकड़ कर खींच कर निकालना. Don't touch my hands. मेरे हाथ को टच भी मत करना, मत छूना उसे. बीरबल pulls out the man with his hair. और बीरबल उसे बालों से खींचकर बाहर निकालते हैं, बालों से पकड़कर उसे बाहर निकालते हैं. अटर्ली सरप्राइज्ड बाय द रिक्वेस्ट. अटर्ली मीन्स टोटली, पूरी तरह से वो आश्चर्यचकित थे उसके रिक्वेस्ट को सुनकर, उसकी प्रार्थना को सुनकर. थैंक यू सो मच राजा बीरबल, आई वॉन्टेड टू गिव माई कारपेंटर द मेजरमेंट फॉर अ न्यू कबर्ड. थैंक यू सो मच राजा बीरबल. और वो व्यक्ति गटर से निकलने के बाद बीरबल को धन्यवाद करता है. आई वॉन्टेड टू गिव माई कारपेंटर द मेजरमेंट फॉर अ न्यू कबर्ड. उसने कहा, नई अलमारी के लिए मुझे अपने बढ़ई को नाप देनी थी, माप देनी थी. एंड सिंस आई हैड मेजर्ड द विथ ऑफ द कबर्ड विद माई आउट स्ट्रेच आर्म्स. और क्योंकि मैंने अपने हाथों से ही कबर्ड अलमारी की चौड़ाई को मापा था, तो ये जो मेरे खुले हुए हाथ हैं ये उसकी विड्थ चौड़ाई हैं. आई कुड नॉट मूव देम, इसलिए मैं इन्हें बिल्कुल भी हिला नहीं सकता. बीरबल आस्क द मैन टू वेट विद द अदर्स. और बीरबल उस व्यक्ति को भी दूसरे व्यक्तियों के साथ इंतज़ार करने के लिए कहते हैं. फॉर ही टू वुड बी टेकन टू द किंग, ताकि वो उसे भी अन्य व्यक्तियों के साथ महल में ले जा सकें. So, dear students, you have to read this lesson, okay, and try to understand the meaning, okay? And tomorrow I will give you the remaining part of the story, okay? Thank you.